असलम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालिब तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासर। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, चैप्टर जो 1 है क्लास 8 की मैथ का, उसकी प्रैक्टिस नंबर जो 12 है, प्रैक्टिस नाउ नंबर 12 जो है वो हम करेंगे। इसके जो है 3 है क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिस नोट जो 12 है इसमें 3 क्वेश्चन है। तो 1 by 1 करके तीनों को अच्छा एक ही लेक्चर में सॉल्व कर देंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कह रहे थे सम ऑफ टू नंबर इज 36 एंड द डिफरेंस इज 9, फाइंड द नंबर। अब कह रहे हैं कि दो नंबर है जिनका सम जो है वो क्या है 36 है और जो डिफरेंस है उनका वो 9 है। तो हमने क्या किया कि लेट करें, लाजिम बात है दो नंबर है जिनमें से एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, दोनों सेम तो नहीं हो सकते क्योंकि उनका जो डिफरेंस है वो उसने कह रहा है कि वो 9 है और इसलिए दो नंबर जो है वो एक छोटा होगा एक बड़ा है। तो जो छोटा नंबर है उसको हमने क्या कह दिया एक्स कह दिए कि लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स है एंड ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू वाई है। तो अब हम ध्यान रखेंगे क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि जो कंडीशंस दी हुई हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, दो कंडीशंस है। द फर्स्ट कंडीशन इज सम ऑफ टू नंबर इज 36, इक्वेशन नंबर क्या होगी 1। द सेकंड कंडीशन डिफरेंस इज 9, इक्वेशन 2। अब अपने यहाँ पे अक्सर जो मिस्टेक होती है मैं वो भी बताता हूँ कि जब हम अक्सर पेपर चेक करते हैं तो जो मिस्टेक क्या होती है। अब क्या है कि यहाँ पर x माइनस y इज इक्वल टू स्टूडेंट 9 लिखा है, कि ये x प्लस y 36 है क्योंकि सम की बात करता है तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, तो x माइनस y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता क्यों, अच्छा ऐसा क्यों नहीं हो सकता, उसकी एक रीजन है कि हमारे पास ग्रेटर नंबर क्या है y है, तो बड़े नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि छोटे नंबर अगर x माइनस वाई लिख दें तो वो आपका गलत हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप 20 में से 30 माइनस कर लें, यानी आपके पास 20 रुपए हो और आप 30 रुपए की चीज ले लें, यानी कि $20 आपके पास है और आप $25 की चीज ले रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है कि ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 9, क्योंकि वो कह रहे हैं डिफरेंस इज 9, कि उनका जो फर्क है डिफरेंस के मतलब होता है माइनस सब्ट्रैक्शन, तो ये दो ही कोई हमारे पास काम नहीं है। अब क्या है कि ये उसने हमें हमारे पास कहीं कोई सब्सटीट्यूशन का जिक्र तो क्योंकि नहीं किया हुआ हमारे पास, एक सेकंड चेक कि कहीं सब्सटीट्यूशन का तो जिक्र इसने नहीं किया, एक्सरसाइज हमारे पास ये किसका क्वेश्चन है अच्छा ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा एलिमिनेशन वगैरह कोई नहीं है, इसलिए ना हमारे पास सिंपल एक्स और वाई उसे का फाइंड नंबर, सिंपल हमने नंबर फाइंड करें। तो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड क्यों करेंगे, जब देखिए ऐड 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करेंगे, मैं दोबारा लिख लेता हूं, ऐसे लिख लें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसको मैं क्या करेंगे, पहले लिखें इसको बाद में लिखें, लेकिन साइन में इसके साथ माइनस लगाइए कि छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू से माइनस होगी, तो इसलिए आप चाहें तो एज इट इज लिख दें, एज इट इज लिखें तो ये वाला एक्स इज एक्स से कट गया था, ये देखो इस एक्स से कट गया तो एक्स वाई ये वाला वाई और ये वाला वाई कितने वाई होगा 2 वाई हो गए और दूसरी तरफ कितना हो गया 9 and 4 = 45, ठीक है ना हो जाएगा हमारे पास 45 हो जाएगा, 36 में 4 and 45 हो जाएगा। अब हमने नहीं कहते हैं 45 डिवाइड बाई 2 कर ले रहे हैं, y इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 2, 2 2 4 2 2 4 0.05 = 10, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 22.5 आ गया। अब ये क्या करेंगे पुट इन 1 कर ले, पुट इन 1, अब क्या होगा 45 जो था 2 पे डिवाइड होगा तो हाफ रह जाएगा ना, तो इसे इक्वल टू होगा। अब हमने क्या करना है 1 में पुट कर देना, वाई हमारे पास x है प्लस 22.5 हो जाएगा, y है y के लिए y की वैल्यू आगे किसी तरह हमारे पास क्या 36 है, तो x इज इक्वल टू 36 माइनस 22.5। अब देखो इसे तो x का जो आंसर है वो हमारे पास किस तरह आएगा, अब इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे करूंगा ये आपने बहुत से समझ है। अब ये देखो मेरे पास 36 है और यहाँ मैं लिखूंगा 22.5, अब देखो 22.5 मैंने ऐसे लिखा कि इसका पॉइंट गिवन नहीं है, अगर पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है इसका पॉइंट एंड पे आप एंड पे डालो और एक जीरो आप अपने पास डाल सकते हैं,
तो पॉइंट को मैंने पॉइंट के नीचे रखा, पॉइंट के पहले नंबर पहले आ गया, पॉइंट की बात कर रहा हूं बाद में आ गया। इसका पॉइंट नहीं था तो एंड पे होता है, जिसका पॉइंट ना हो तो एंड पे गिवन होता है। अब हमारे पास क्या होगा, यहां से हम 10 लेंगे, यहां 5, यहां 10, 10 में से 5 है 5 पॉइंट, इसी तरह 5 में से 2 है, कितने बची थी 3 बची, और 2 में से 1 है 3, तो y is x equal to 13.5। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हो गया कंप्लीट वन। अब हम चलते हैं पार्ट टू की तरफ, पूरी पास करके इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हमने पार्ट वन की है, अभी हम चलते हैं पार्ट टू की तरफ, जो हमारे पास पार्ट टू है वो हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, पार्ट टू में कह रहे कि 1/3 ऑफ द सम ऑफ टू एंगल इज 60 एंड वन ग्रेटर ऑफ द डिफरेंस इज 28, फाइंड द नंबर। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास स्मॉलर नंबर है ना, या स्मॉलर एंगल है, एंगल की बात कर रहे हैं, स्मॉलर नंबर की जगह क्या है एंगल, एंगल को जब भी एंगल लिख लो एक्स और वाई। अब यहां पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अब उसे दो कंडीशन लगाई हम लोग, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि 1/3 ऑफ द सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स, पहले इस चीज सुन, कह रहा है कि सम ऑफ टू एंगल जो है उसका 1/3, उसका 1/3 का मतलब है कि 1/3 से उसको मल्टीप्लाई कर। तो अब ये 1/3 ऑफ किसका हो गया, इन दो एंगल का जो सम है उसका तीसरा हिस्सा किसकी इक्वल है, कह रहा है कि 60 डिग्री की इक्वल। मैंने बताया एक्सप्लेन करता हूं, कह रहा है 1/3 ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स कि दो एंगल्स का जो सम है उसका 1/3 जो है वो किसकी इक्वल है, 60 की इक्वल है। तो पहला जो आपके पास कंडीशन है वो आपकी यहां पर लग गई। मैं इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कोई वन बना लेता हूं ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। अब ये किस तरह होगा, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स वाई हो जाएगा, जबकि ये जो जी है ये इस तरफ इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 × 18 इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। अब जो सेकंड कंडीशन है वो क्या कह रहा है, 1/4 एंड क्वार्टर, सॉरी एंड क्वार्टर ऑफ देयर डिफरेंस, क्वार्टर ऑफ देयर डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस एक्स माइनस वाई, अब ये डिफरेंस हो गया, अब डिफरेंस का कौन सा पार्ट, 1/4 मतलब क्वार्टर, चौथा हिस्सा, क्वार्टर ऑफ देयर डिफरेंस, क्वार्टर ऑफ देयर डिफरेंस कि ये क्वार्टर को शो कर रहा है, ये डिफरेंस को शो कर रहा है, डिफरेंस का मतलब माइनस। अब क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ना वाई से, मैंने वाई माइनस एक्स लिखा, क्वार्टर है तो 1/4 है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, किसकी इक्वल है, कह रहा है 28 डिग्री की इक्वल है, 28 डिग्री की इक्वल है। अब इसी तरह जैसे ऊपर वाला उधर जाके मल्टीप्लाई हो, 4 की तो मल्टीप्लाई होगा, तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 4, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4×8=32, ठीक है, चले गए 4×2=8, 9×10=11, 112, ये इक्वेशन कौन सी आ गई थी हमारे पास, इक्वेशन 2 आ गई। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 एंड 2 आ गई ना, ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे, ऐड 1 एंड 2, 1 2 को ऐड करेंगे, 1 क्या है, पहले लिखेंगे 1 x plus y is equal to 180 and y minus x is equal to 112, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गए, ये वाला वाई और ये वाला वाई 2y है, और ये हम ग्राफ करने का जरूरी होना मेरी, ये y इसके नीचे नहीं था, बेशक नीचे ना हो ना, है तो ये भी y बात है, तो दोनों सेम चीज है ना, दोनों सेम वेरिएबल है, दोनों ऐड हो गए क्योंकि हम ऊपर ऐड लिखो, अब ये भी ऐड हो जाएंगे, ये तो 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और यहां 2 आ जाएगा, 2 plus 0 2 8 1 9 1 1 y is equal to 2 9 2 2 हो गया, तो y is equal to 2 1 are 2 2 4 are 8 और 2 6 are 146 हो गया, ठीक है, 2 1 are 2 1 आ गया, 2 4 are 8, 1 बचा 12, 2 6 are 12, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई। अब हम इसे क्या करते हैं कि put in 1 लेते हैं, put in 1, अब 1 मेरे पास क्या है, x प्लस y, y की जगह मैं लिखूंगा 146 इज इक्वल टू 180, तो
x is equal to 180 minus 140, 146. तो x is equal to 46 और 4, 50 हो जाएंगे, 50 और 30, 50 और 80, ठीक है, 30, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 34 हो गई, ठीक है जी, हमारे पास ये भी हो गया, वीडियो पास में उतार लें, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3, द फिगर शोज दैट, चलें, ये वाले क्वेश्चन वीडियो पास का स्क्रीनशॉट लिया, जी जो हमने फाइंड किया x और y, ये हमारे पास एंगल है, पहला और दूसरा एंगल था, फर्स्ट एंगल x, स्मॉलर एंगल एंड देन उसने एंगल हां टू एंगल बन, अब उसने एक हमें फिगर दे दी, मैं यहां डालता हूं, जो जो उसने फिगर दे दी x plus y plus 2, x plus y plus 2 और साथ क्या है, सेंटीमीटर है, 2x plus 1, ये से इधर सेंटीमीटर में आ गए, और x plus 2 एंड देन 2y सेंटीमीटर, 2y सेंटीमीटर हो गया हमारे पास, तो अब हमारे पास जो क्या करें, फाइंड क्या करें, लेंथ एंड ब्रेड्थ और आइडेंटिकल, फाइंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमने फाइंड क्या करना, फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, उसने हमसे पूछा हुआ है पेरीमीटर एरिया, तो आई थिंक ये कुछ इज फाइन, फिगर इट विद लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अब बात करता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल लेंथ और ब्रेड्थ जो आइडेंटिकल, अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है उसने खुद बताया हुआ है रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल, के रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा x plus y plus 2 is equal to 2x plus 1, यानी ये वाली साइड इस साइड में उधर से एक इक्वल बना लो, x plus x minus 2x plus y is equal to 1 और माइनस हो, अब क्या होगा, ये 2x से जाके माइनस हो गया, ये जो 2 है उधर जाके माइनस हो गया, तो यहां मेरे पास क्या बचेगा, माइनस x plus y is equal to minus 1 आ जाएगा, अब मैं यहां माइनस कॉमन लेता हूं, तो x minus y is equal to minus 1, अब इस वाले माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दूंगा, तो x minus y मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया, ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, अब 1 आ गई, अब दूसरी में क्या बनता है, इक्वेशन बना होगा कि ये वाली साइड इस साइड इक्वल है, तो x plus 2 is equal to 2y, x minus 2y is equal to minus 2, ये मेरे पास आ गई थी, इक्वेशन 2 आ गई, अब मैंने क्या कर लिया, तो हम सब्ट्रैक्ट करूंगा, इक्वेशन को सब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो, अब सब्ट्रैक्ट क्यों करो, तो रूल बता दो, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, इक्वेशन 1 लिखो, x minus y is equal to 1 and x minus 2y is equal to minus 2, सब्ट्रैक्शन इसलिए की है कि नीचे वाले के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, तो माइनस और प्लस x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम, ये देखो ये जो इक्वेशन है इन दोनों के अगर आप देखो तो x जो वेरिएबल है वो सेम है, तो जब सेम हो तो वहां क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, जब सब तो x x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, 2y में से 1y गया, तो सिर्फ y बचेगा, क्योंकि ये 2y के साथ प्लस का साइन है, प्लस y का साइन प्लस हो तो डालते नहीं होते, और यहाँ पे क्या आ गई थी, 3 आ गई, अब आपके पास x की y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 1 14 मान 1 में पुट कर, अब ये क्या आपके पास x माइनस y y की जगह 3 आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस क्या उधर जाकर बन जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो अब देखें हमारे पास x और y दोनों के वैल्यू, अब बात आती है पैरामीटर की फाइंड करने की, अब जो पैरामीटर होता है ना वो क्या होता है, 2 पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल p, पैरामीटर p मैंने सिर्फ लिखा, आप इसे पूरा लिखना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 length plus width या breadth, तो
3 is equal to 2, length आपके पास ये वाली है, क्या है जी, x plus y plus 2 plus breadth आपके पास ये वाली है, plus x plus 2 और साथ centimeter, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास length है और यहाँ से ले यहाँ तक ले लेकर आपके पास breadth है, यानी ये आपकी breadth है और ये आपके पास length है और यूं कर आप formula लेते हैं, तो perimeter is equal to 2. अब देखो x आपके पास कितने हो जाएंगे, ये वाला x और ये वाला x, कितने x हो गए, 2x हो गए, y अकेला है तो y as it is आ जाएगा, plus 2 और plus 2 plus क्या हो जाएगा 4 और साथ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो p is equal to 2 x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो 4, ये देखिए मैंने पुट कर लिया ये 4, plus y y की जगह वैल्यू पुट कर दिया 3 और plus 4 इसी तरह, तो हमारे पास p is equal to क्या हो जाएगा 2 4 2 जन 8 और 4 और 3 7, तो कितने हो जाएंगे 8 और 7 15 हो जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, p is equal to 2 multiplied by 15 that is 7 सेंटीमीटर, इसके साथ इसी तरह यूनिट लाजमी लेना है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं पेरिमीटर p is equal to 2 15 जन 30 सेंटीमीटर, उसने क्या कहा है एरिया शेयर की तो बात नहीं की है, पेरिमीटर की शेयर बात की है, पेरिमीटर इज इक्वल टू फाइंड द पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरिमीटर जिसे बात की है तो पेरिमीटर हमने क्या है जी फाइंड कर ली है, पेरिमीटर हमारे पास कितना आ गया 30, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसमें कहीं भी कोई मसला है तो आप नीचे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा, क्वेश्चन का इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में मसला है तो बताइए, इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।